जम्मू और कश्मीर राज्य के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में पटनीटॉप स्थित है। यह हिल स्टेशन हरे भरे परिवेश में बर्फ से ढके पहाड़ों और रंगीन खेतों से चारों ओर से घिरा हुआ है। इस परिवेश के कारण पटनीटॉप पर्यटन के लिए बेहतरीन जगह मानी जाती है। यह भौगोलिक रूप से शिवालिक पट्टी के पठार पर बसा है। पटनीटॉप हरे भरे चीड़ के वृक्षों और घने जंगलों से ढका हुआ है। प्राचीन चिनाब नदी के कटाव से बने पटनीटॉप की मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता आपको हैरत में डाल देती है। पटनीटॉप में कई हरी भरी घाटियां और बड़े बड़े खाली खेत हैं, जहां आप पर्यटकों द्वारा कैंप लगाए जाते हैं। कैंपिंग यहां की सबसे जरूरी गतिविधियों में से एक है। पर्यटक यहां कैंपिंग, ट्रैकिंग और हाइकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। पटनीटॉप से एक रोचक किंवदंती जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इस क्षेत्र के हरे भरे चरागाहों के बीच एक तालाब था। उस राज्य की राजकुमारी हर दिन उसमें स्नान करने जाती थी, इसलिए इस तालाब को पाटनदा तालाब या पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस कहा गया। इस हिल स्टेशन पर मीठे पानी के तीन झरने हैं, जिनके ठंडे पानी को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। पटनीटॉप के बाहरी इलाके में कुद और बटोटे शहर हैं। कुद पटिसा मिठाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सोन पापड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि बटोट अपनी उच्च गुणवत्ता वाली किडनी बीन्स के लिए जाना जाता है, जिसे हिंदी में राजमा कहते हैं। जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर और उधमपुर से 47 किलोमीटर दूर स्थित पटनीटॉप हिल स्टेशन जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में पड़ता है। सना और सार नामक दो छोटे गांवों का समूह सनासार कहलाता है। इसे मिनी गुलमर्ग भी कहा जाता है। पटनीटॉप के बाहरी इलाके में स्थित यह भारत के सबसे दूरस्थ शहरों में से एक है। शांता रिज नामक पर्वत की तलहटी में यह छोटा शहर बसा हुआ है। हवाई मार्ग से पटनीटॉप का निकटतम हवाई अड्डा जम्मू सिविल इनक्लेव है। यह भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों से पटनीटॉप को जोड़ता है। सड़क मार्ग से पटनीटॉप सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। पटनीटॉप दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों से प्रमुख राजमार्गों के माध्यम से जुड़ा है। निकटतम जम्मू और पहलगाम जैसे शहरों के साथ पटनीटॉप सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा है। रेल मार्ग से पटनीटॉप का निकटतम रेलवे स्टेशन कटरा जिले का जम्मू तवी है। यह देश के अन्य हिस्सों से पटनीटॉप को जोड़ता है। पटनीटॉप या पटनीटॉप जम्मू कश्मीर घाटी का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो जम्मू से 112 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। बर्फ और घाटियों को देखने के शौकीन लोगों के लिए पटनीटॉप लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित पटनीटॉप 2024 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जिसके पास से चेनाब नदी बहती है। माना जाता है कि आप जम्मू गए और पटनीटॉप नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सुंदर पठार और घने जंगलों से घिरा हुआ पटनीटॉप सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासिलिंग जैसे स्नो गेम्स सर्दियों में इस पहाड़ी स्थल के आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। पटनीटॉप कश्मीर घाटी में सबसे अच्छे विकसित पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। इस हिल स्टेशन के प्राकृतिक सौंदर्य, घने देवदार के जंगल और फलते फूलते हरे भरे परिदृश्य पटनीटॉप को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाते हैं। पटनीटॉप में ठंडे बर्फ के पानी के तीन झरने हैं, जिनमें औषधीय गुण होने का दावा किया जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले लोगों के लिए पटनीटॉप के पास ट्रैकिंग का विकल्प भी है। वहीं गर्मियों में 9 छेद वाले गोल्फ कोर्स पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पटनीटॉप में आप अन्य गतिविधियों जैसे गोल्फ, एरो स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी और हॉर्स राइडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर अगर जम्मू जा रहे हैं तो पटनीटॉप की यात्रा किए बगैर बिल्कुल न लौटें। खासतौर से सर्दियों में यहां का नजारा देखने लायक होता है। तो चलिए आज
के आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं जम्मू के एक खूबसूरत ट्रेवल डेस्टिनेशन पत्नीटॉप के बारे में। पत्नीटॉप कश्मीर के पास उधमपुर जिले में स्थित एक सुंदर हिल रिजॉर्ट है। यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यही वजह है कि हर साल 6 लाख से ज्यादा पर्यटक पत्नीटॉप के मनमोहक नजारों को देखने के लिए पहुंचते हैं। कई साल पहले इस जगह को पाटन दा तालाब कहा जाता था, जिसका अर्थ है राजकुमारी का तालाब। बताया जाता है कि सत्तारूढ़ राज्य की राजकुमारी प्रत्येक दिन इस तालाब में स्नान करने आया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक तालाब पत्नीटॉप में इस तालाब की अफवाह अभी भी बनी हुई है। इतिहास में यह है कि 1730 में पत्नीटॉप डोगरा राजा ध्रुव ने शहर पर अपना शासन शुरू किया। इस राज्य के प्रभाव ने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को बहुत बढ़ावा दिया, जो आधुनिक समय में भी बना हुआ है। 600 साल पुराना नाग मंदिर इलाके में प्राचीन आबादियों का एक और प्रमाण है। हालांकि समय के साथ इसका नाम बदलकर पत्नीटॉप कर दिया गया, तब से लोग इसे पत्नीटॉप नाम से ही जानते हैं।